तो दोस्तों ये है मोटो का G31 और इसका बहुत सारे वीडियो चैनल के ऊपर आ चुका है। अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में तो लिंक नहीं मिलेगा, चैनल के ऊपर तो वीडियो मिल जाएगा, साथ साथ यहाँ पे आई बटन में आपको सबका वीडियो का लिंक मिल जाएगा जितने भी इसका वीडियो आ चुका है। और आने वाले टाइम में इसका रिव्यू भी आने वाला है, क्विक रिव्यू, एक फुल रिव्यू भी आने वाला है क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, और इसका एक कैमरा टेस्ट भी आने वाला है। तो अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे इसका एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट के बारे में, यानी कि 0 to 100 होने में इसको कितना टाइम लगता है चार्ज होने में, और 100 से 0 एक्सट्रीम कंडीशन में खत्म होने में, यानी कि काउंटर से वीडियो प्ले रहेगा तो कितना टाइम लगता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और ये भी बता दूं कि बहुत सारे व्यूअर जो है वो वीडियो देख के चले जाते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री का है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं किया, अच्छा लगा है, नहीं अच्छा लगा है तो अलग बात है, लेकिन अच्छा लगा है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इससे पहले कि आप जानना चाहते हैं कि कितना जाता है इसका बैटरी, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैं दो हिस्सों में करूंगा। पहले यहाँ पे बताऊंगा कि चार्ज खत्म होने में 100 से 0 होने में कितना टाइम लगता है, और उसके बाद 0 to 100 फुल चार्ज होने में इसको कितना टाइम लगता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले से बताया कि 100 से 0 होने में इसको फुल डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, अगर एक्सट्रीम कंडीशन यूज करेंगे यानी कंट्रोल से अगर वीडियो प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं, तो उस टाइम में कितना लगता है उसके अगर बात करें, उसके लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ, हर एक एक घंटे में दो दो घंटे में स्क्रीनशॉट लिया हूँ, वो आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। बाकी जैसे कि एक्सट्रीम वीडियो टेस्ट में मैं करता हूँ, एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट में, तो उसी तरह यहाँ पे भी आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा क्योंकि उतना टाइम रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले जाता हूँ, तो वो मैं आपको यहाँ पे बारी बारी करके दिखा दूंगा, आपको पता चल जाएगा कितना ये टाइम लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला स्क्रीनशॉट जो है 1244 में 100% में ये फोन था। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की बात करते हैं तो 2.7 में ये 91% में पहुंच गया था, और यहाँ पे लास्ट फुल चार्ज आप देख सकते हैं, नीचे भी आपको दिख रहा होगा 83 मिनट से वो हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की बात करते तो 540 में ये पहुंच गया था 64% में, और उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की बात करते तो 641 में ये पहुंच गया था 55% में, और लगभग 6 घंटा हो गया, यानी कि आधा परसेंट जाने के लिए, आधा परसेंट नहीं बोलते, 50% जाने के लिए इसको 6 घंटा लग जाता है। एक्सट्रीम कंडीशन की बात ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की बात करें तो 834 में ये पहुँच गया था 41% में, उसके बाद यहाँ पे 103 में ये पहुँच गया था 30% में, तो लगभग 9 घंटा हो चुका है। उसके बाद 11 में ये पहुँच गया था 21% में, उसके बाद 1 बजे ये पहुँच गया था 5% में, और यहाँ पे 114 में यानी कि 114 में ये पहुँच गया था 1% में। तो यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हैं लास्ट फुल चार्ज 12 आवर है वो, और स्क्रीन यूजेस टाइम दिखा रहे 12:30, तो यानी कि आप मान सकते हैं कि 12.5 घंटे के यहाँ पे बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है। एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं तो आराम से आपको 1 से 1.5 दिन का यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर एक्सट्रीम यूज करते हैं यानी कि हमेशा स्क्रीन आपका ऑन रहता है, अगर आप GPS यूज करते हैं, GPS यूज करेंगे तो और भी ज़्यादा जल्दी से खत्म होगा क्योंकि GPS के टाइम में डाटा यूज होता है, तो थोड़ा फोन गर्म भी होता है और जल्दी और भी कटेगा, तो उस टाइम में आपको मे बी 5 से 6 घंटा तक या फिर 7 से 8 घंटा तक आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ नॉर्मल वीडियो यूज करते हैं या फिर वगैरह खेलते हैं तो आप इजी आराम से आपको 11 से लेकर 12 घंटा का यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। यहाँ पे क्यों 12.5 मिला है, क्योंकि मैं लगभग आधा घंटा या 1 घंटे के आसपास गेम खेला हूँ, और बाकी टाइम ये सिर्फ वीडियो YouTube ही चल रहा था, वीडियो ऐसा नहीं कि MX प्लेयर में देख रहा था, YouTube चल रहा था, तो प्रॉपर वाईफाई का भी यूज हो रहा था, नेट का भी यूज हो रहा था और फुल HD में चल रहा था, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको ये 12.5 घंटा का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, और यहाँ पे चार्जर को बता दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला चार्जर यहाँ पे मिलता है, ये 20 वाट का एक फास्ट चार्जर है, 18 वाट नहीं है, 20 वाट का फास्ट चार्जर है, और यहाँ पे मिलता है आपको 5000 mAh का बैटरी। तो कितना टाइम लगता है वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। तो पूरा फोन डेड होने के बाद ही मैं चार्ज करता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑन होगा तो पूरा खत्म करता हूँ उसके बाद करता हूँ। तो जैसे ही ऑन हुआ यहाँ पे 1% आप देख सकते हैं 10-15 में, उसके बाद नेक्स्ट 11-20 में 55% पहुंच गया, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की बात करते तो 12-16 में ये पहुंच गया था 93% में, और उसके बाद 12:44 में ये पहुंच गया था 100% में, यानी कि इसको फुल चार्ज होने में 2 hours 30 minutes लगते हैं। जी हाँ, 2.5 घंटे लगभग या पूरा 2.5 घंटे ही लगे इसको फुल चार्ज होने में, और जो कि 5000 mAh के साथ 20 वाट चार्जर के साथ एक ठीक ठाक है, क्योंकि ज़्यादातर फोन में अगर 18 वाट भी आते हैं वो भी 2 घंटा 45 मिनट तक चल जाते हैं, फुल चार्ज होने के टाइम लेते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है 20 वाट का चार्जर मिल रहा है तो यहाँ पे आपको 2.5 घंटा लगता है फुल चार्ज होने में। और ये बात भी एक बता दूँ कि यहाँ पे फुल चार्ज होने के टाइम में या फिर चार्जिंग होने के टाइम में फोन गर्म नहीं होता, बहुत सारे फोन होते हैं गर्म हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, यहाँ पे चार्जिंग होने के टाइम में फोन टोटली गर्म नहीं होता है, कूल रहता है,
ऐसा नहीं कि 40 GB आसपास पहुंच जाता है, कुछ भी नहीं होता, आराम से ये फ़ोन चार्ज हो जाता है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो इसका क्विक चार्जिंग टेस्ट के बारे में और साथ साथ बैटरी ड्रेन होने में एक्सटेंड करने में कितना टाइम लगता है इन सब के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ पता चल गया होगा इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है फास्ट चार्जर के साथ, यानी कि ये जो 20 वाट का चार्जर है उसके साथ, और एक्सटेंड करने से अगर आप फोन को यूज़ करते हैं तो ड्रेन होने में कितना टाइम लगता है इन सब के बारे में पता चल गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर कर देना, और इस वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन लिया है इस फोन के बारे में तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखें टेक बाय यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ पर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।